राजस्थान के सीकर जिले में कार में रोमांस कर रहे बाबा बालकनाथ पर पुलिस ने रेप की एफआईआर दर्ज की। नमस्कार, केपी न्यूज के विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। सीकर जिले में एक बाबा जो तंत्र मंत्र के जरिए समस्याएं दूर करने का दावा करता था, अब उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बाबा बालकनाथ के खिलाफ एक महिला ने पुलिस में रेप की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि बाबा ने तंत्र मंत्र के बहाने उसे फुसलाकर उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बाबा ने उसे विश्वास दिलाया था कि वह तंत्र मंत्र की सहायता से उसकी सभी परेशानियां दूर कर सकता है। इसी झूठे भरोसे में बाबा ने पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाए। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस से संपर्क किया और बाबा की हरकतों का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक बाबा बालकनाथ को सीकर जिले के विभिन्न हिस्सों में तंत्र मंत्र और ज्योतिष उपचार के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई वर्षों से खुद को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित किया हुआ था और लोग अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए उनसे संपर्क करते थे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बाबा के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं और जल्द ही बाबा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। इस घटना ने इलाके में खलबली मचा दी है और बाबा के अनुयायियों के बीच भी आक्रोश फैल गया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा जैसा दिखने वाला व्यक्ति इस तरह के कृत्य में शामिल हो सकता है। पुलिस अब अन्य पीड़ितों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि संभावना है कि बाबा ने अन्य महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार से धोखाधड़ी की होगी। यह मामला एक बार फिर से उन बाबाओं और तांत्रिकों पर सवाल खड़े करता है जो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं। रेप से संबंधित है। बाबा का क्या नाम है? बाबा का नाम, बाबा जो रिपोर्ट में है, बाबा बालकनाथ नाम है। ऐसे और भी अपडेट्स देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। केपी न्यूज के लिए एंकर पूजा की रिपोर्ट।